अस्सलाम वालेकुम, खान कैसे आप लोग? भाई कितने का भाई? 500 का। 500। अभी हम लोग जस्ट ट्रेन में बैठे हैं और कल सुबह तक इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। तो यह है ट्रेन के कुछ क्लिप्स। रात के बज रहे हैं 2, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर इतने जोश और इतनी एनर्जी है। ये मेरे साथ में नहीं है, रैंडम पब्लिक है, बट फिर भी कितना जुनून और जोश है। कल हम ख्वाजा गरीब नवाज के पास पहुँच जाएँगे तो रात को और अच्छी बिता के फिर और एनर्जी रहेगी। और यहाँ पर सब लोग नाच पड़ रहे हैं झूम झूम के और काफ़ी अच्छा लग रहा था। सब लोग उठ के आ गए थे, देखने लगे थे, तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा था। और सुबह हम लोग बहुत ही अच्छे से पहुँच गए थे। तो यही होती है कि हम कितने पक्के और सच्चे चाहने वाले हैं ख्वाजा गरीब नवाज के। सुबह हो गई है और अभी हम लोग कुछ ही देर में पहुंच जाने वाले हैं अजमेर, फिर मैं वहां पर आपको मिलता हूं। तो ये है अजमेर का स्टेशन। जैसे ही बाहर निकले तो माशाल्लाह इतनी भीड़ थी, क्योंकि कल छठी है तो इसलिए। ये है बाहर से कुछ ऐसा दिखता है मेन अजमेर का स्टेशन, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा दिख रहा है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अदनान खान और आप देख रहे हैं अदनान के ब्लॉग्स। अदनान के ब्लॉग्स में आप सभी का वेलकम है। तो आज है day 1 अजमेर में। आज ही ट्रेन हमें यहाँ पर पहुँचाया, तो अभी बज रहे हैं कुछ 3, तो थोड़ा लेट हो गया, बट अभी स्टार्ट है। आगे सब आपके साथ शेयर करते रहूँगा, बहुत ही मज़ा आ रहा है। ये पीछे अम्मी और अब्बू हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। हाँ, ऑल सेट है बस जाने के लिए। बहुत ही कैसे आप लोग? खाला और अम्मी। अच्छा, इनकी खाला और अम्मी को खास करके मेरा सलाम कबूल कर रहा है। अल्लाह बाहर तो मिलते ही हैं, लेकिन आपको अंदर भी फूल और चादर मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से भी ले सकते हो। हर आधे घंटे में वहाँ पर सफाई होती है, तो काफ़ी अच्छा वहाँ पर सफाई का भी सिस्टम है। तो ये इतने मोटे झाड़ू से होता है। तो आप मज़ार में से आ गए हैं और हम लोग बैठे हैं अब थोड़ा डिनर करने। और हम लोग थोड़ा ऊपर बैठे क्योंकि नीचे काफ़ी गर्दी थी। ये
तो अब ये यहाँ पर मार्केट लगी है, मतलब शाम के टाइम पे ही मार्केट और ज़्यादा वो होता है, मतलब बहुत ज़्यादा लाइट्स अप हो जाती है ताकि लोग तभी खरीदते, क्योंकि दरगाह ऑलमोस्ट बंद होने वाला रहता है। तो हम लोग फिर शॉपिंग पे निकलते हैं, अभी हम लोग भी जा ही रहे हैं, देख रहे हैं कुछ अगर पसंद आया तो ले लेंगे, बट मैं सोचा ये भी शेयर कर दूँ। और ये सब जो आपको लाइट्स दिख रही हैं वो सब होटल्स हैं, तो होटल्स के लोगों ने हाईलाइट के लिए लगा दिया है, क्योंकि आप जैसे ही आओगे तो आपको कुछ ज़्यादा कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा आपको। अगर यहाँ पर हर टाइप के होटल्स अवेलेबल हैं, बहुत ही हाई रेट के भी है, बहुत ही लग्जरीज भी है, बहुत ही मीडियम भी है, तो लो भी है, सो आप कैसा प्रिफर करते हैं वैसा वैसा होता है। तो यही है, अभी हम लोग ने भी लिया है तो फिर मिडल वाला लिया है, मीडियम वाला लिया है, बहुत लग्जरियस भी नहीं लिया है, बहुत वैसा भी नहीं लिया, बट मीडियम वाला लिया। तो ऐसा है, आप बहुत बहुत अच्छे अच्छे होटल्स भी आप यहाँ पर देख सकते हो। ये क्या है, ये क्या है? अच्छा, ये मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास है कि वहाँ से छोटा दिखेगा स्क्रीन पे, बट यहाँ पर थिएटर साइड मतलब बोलते ना बड़ा दिखता है। कितने का है? 100 रुपये का एक, 100 रुपये का एक है, 100 के 4 जी भाई, 100 के 4 टोपी है। देखा भाई, 1 किलो तकिया 20 रुपये का, 70 रुपये का, 60 रुपये का, 60 रुपये का एक, यूरेजेबल है ना, मतलब पचका के वापस से यूज़ कर सकते हैं। कितने का है? 120 का दो, 120 का दो, मतलब 60 का एक। कितने का भाई? हाँ, कितने कितने का? 100 के 5 है, 100 के 4 है, 100 के 5 और 100 के 4। इसमें छोटी साइज छोटी, कैसा लग रहा है? मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा है। ऐसा क्यों, ये ऐसा 4? अच्छा, इसका मटेरियल अच्छा है ना, इसका मटेरियल अच्छा है, सबका मटेरियल अच्छा है, महंगा क्वालिटी है। कितने कितने का? 200 का भाई? काला नहीं है ना? इसमें ब्लैक नहीं है क्या? बताओ। आठ, 100 के 8 और ये 100 के 4 ये वाले 100 के 8 क्या बढ़ना हो मम्मी दो दस का है ऐसे वाइट में और है क्या? सिर्फ कड़े दो आठ है ना, दो दस वाला है, ये भी 2-8 है, नहीं है ये लाल भी नहीं है, 2-8 आता है, 2-8 से बड़ा नहीं है, ये भी 2-8, सब में 2-8 सबसे बड़ी का, 2-10 भी रखने का, 2-10 नहीं आता ना भैया, छोटी है ना, ये है जल्दी में यही चले गई है। तुम ये कितने का लिए? 150 कितने का भाई? 100 रुपये, 150 रुपये, 150 ऊपर के, ये सब 150, ये 100 रुपये। अच्छा, ये 100 है, ये 150 है, वो जो 200 वाला मिल जाता है यहाँ पर, 150 वाले में भी अच्छा है, सब ये सब 200 में मिलता है। डेढ़ सौ का साइज इनके नाप का है क्या? हाँ, साइज मिल जाएगा, 9 है 10 10 10 10 बोलते दो। अच्छा, अच्छा लेना इसमें बड़ी है, इसमें बड़ी है क्या भाई? कितने का? 100 के 2 100 के 2 थोड़ा आगे हो जाना भाईजान, मस्त पीछे हो जाओ, वो शाम शॉल है ना, कितने कितने का भाई? 100, मस्त है अम्मी, ओढ़ के दिखाओ पहले आप, ये है ना चौड़ाई में, ये भी वही है, ये चौड़ा है, ये भी सौ सौ रुपये का है, मस्त है, 150 बोला ना? हाँ, ये 150 का बड़ा वाला है, छोटा वाला 100 रुपये। तो मतलब खाने वाले में तो डिशेस एक से एक नंबर मिलेंगे, क्योंकि हम लोग ने भी अभी खूब खाया, जितना भी मतलब पेट भर के खाया, ऐसा लगा नहीं कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, बहुत ही कम पैसे में एकदम पेट भर जाता, मन भी भर जाता और एकदम अच्छी क्वालिटी की भी मिलती है आपको।
सो बहुत ही मतलब रीजनेबल और प्रेफरेबल भी रहेगा। तो ऐसा है, कितने कितने का है भाई? 250 के दो। 250 के दो और एक लेंगे तो एक साल है क्या? साल है। अच्छा कलर दूसरा दूसरा होगा ना? कलर मिल जाएगा इसमें, बहुत कलर मिल जाएगा। कितना भाई? 250 का दो। ये पर्पल नेवी ब्लू है। जो ये लिए ये नहीं, ये बहुत गंदा होगा। ये 150 का दो। एक चाहिए था हम लोग, हिसाब से लगाओगे तो देंगे। 150 का दो। क्या रिमोट कंट्रोल है क्या? नहीं, चाबी वाला है। 150 का दो। 150 का दो, किंतु चाबी वाला है। कितने का है भाई? 120 की। पूरा चैन के साथ? कितने कितने का है? 40 रुपये। 40 रुपये का। अच्छा लग रहा है ये वाला, अच्छा लग रहा है वो। इसका कलर बहुत डल है, इसका ब्राइट है। ये ले लो एक। कितने कितने का है भाई? 500 का पाँच। 100 का पाँच, कोई भी। ₹50 प्लेट गरम है तो देखो ऐसा चीप चीप भी मिलता है, मतलब आपको कम भाव में भी काफ़ी अच्छा आपका पेट भी भर जाएगा और बहुत ही अच्छा आपको प्रोडक्ट भी मिलेगा। जितना इन्वेस्ट करोगे उससे भी ज़्यादा, कई ज़्यादा अच्छा मिलेगा। सो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। कितने का पापड़? 20 रुपये। 20 का एक। मजा आ गई। वो पिंक वाला, हाँ। कितने का? ओ भाई 120। सबका रेट सेम है क्या? तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और आज था अजमेर में Day 1। और तो इसी के साथ मैं आज का ये ब्लॉग एंड अप करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो, ये ब्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। स्टे कंटिन्यूड, क्योंकि आगे के ब्लॉग और भी अच्छे अच्छे आने वाले हैं। अल्लाह हाफिज़।